किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है और किसान इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। हालांकि पहले दिन किसान दिल्ली की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि पुलिस की तरफ से उन्हें रोक लिया गया था। काफ़ी वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, साथ ही साथ किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे। वहीं किसानों की तरफ से पथराव किया जा रहा था, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और किसान भी कल कई घायल हुए हैं। लेकिन आज एक बार फिर से किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। ये तस्वीर हम आपको करनाल में नेशनल हाईवे 44 से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कंटेनर यहां पर लगाए गए हैं और बैरिकेड्स के ऊपर आप कंटीले तार देख सकते हैं। वहीं अगर इधर बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं किसानों के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए, और इनमें आपको सरिये भी नज़र आ रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रा भी बुलाए गए हैं ताकि हाईवे को ब्लॉक किया जाए अगर किसान आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि एसएसबी के जवान यहां पर मौजूद हैं। अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करूं तो ट्रैफिक व्यवस्था आप देख पा रहे हैं सुचारू रूप से यहां पर चलती हुई नज़र आ रही है। तमाम लोग अपने वाहनों से दिल्ली की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर लोगों को चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाना है तो वो जो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं वो पंचकुला से यमुनानगर, यमुनानगर से लाडवा, लाडवा से इंद्री और वाया करनाल होते हुए दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। ट्रैफिक हालांकि पहले के मुकाबले कम नज़र आ रहा है, यानी कि जो वाहनों की संख्या है वो कम है, क्योंकि लगातार लोगों को इस बात की जानकारी है कि किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में घर से बाहर ना निकला जाए। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अभी किसान शंभू बॉर्डर पर हैं, उसके बाद उन्हें रोकने का प्रयास शाहबाद में किया जाएगा, उसके बाद उन्हें रोकने का प्रयास पीपली में किया जाएगा और करनाल भी उन्हें रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। बहरहाल क्या कुछ रहता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन किसानों का आह्वान है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।